हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत फोर्ज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 14 फरवरी 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले भारत फोर्ज में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 0.34% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 732.35 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं वन डे का चार्ट यहाँ पे हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे हमें एक तरह से जो है हाई वॉल्यूम हमें देखने मिल रहा है, एवरेज से ज़्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी जो है कैंडल की बहुत ही छोटी बनी है और यहाँ पे लेकिन दोनों साइड में बड़ी बड़ी जो है विक हमें देखने मिल रही है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ RSI की, RSI 49-48 के आसपास जो आ चुका है जो ज़रूर एक तरह से यहाँ पे न्यूट्रल जो हो चुका है, मतलब हमें दोनों साइड का जो इशारा दे रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे हम हमेशा कहते हैं इसकी वजह से चाहे RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो है यहाँ पे नेगेटिव हमें जाते हुए देखने मिलने वाला है। मतलब स्टॉक जो हमें इजीली 700 तक फिलहाल जो गिरते हुए देखने मिलने वाला, फिर उसके बाद हमें जो है 640-680 के आसपास जो है हमें फिलहाल जाते हुए देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी स्टॉक में कॉशियसली काम करें क्योंकि बड़ा यहाँ पे जो है आपको डाउन साइड जो भी है देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे करंटली आने वाले दिनों के लिए हमारा ओपिनियन जो है डाउन साइड का। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टॉक के ट्रेंड की, तो ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल जो है, यहाँ पे आप देख सकते 20 EMA के जो है क्रॉस करके फिर वापस से ऊपर जा रहा है, फिर वापस से क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल जो है वो चल रहा है, लेकिन बहुत ही हाई चांसेस स्टॉक जो है मंडे के दिन जो है हमें 1 आवर के चार्ट में हम देखेंगे किस तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ पे आने वाले दिनों के लिए मुझे लगता है ये जो है 20 EMA का जो है यहाँ पे ज़रूर जो है पूरा का पूरा जो है क्रॉस करते हुए जाते हुए हमें देखने मिल सकता है। तो ज़रूर इस स्टॉक में आप कॉशियसली काम करें। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, वहाँ पे देखते हैं मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी स्टॉक में होती है उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं जरूर जब मार्क करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं जो है मार्किंग कर रहा हूँ आप जो है सेम टू सेम अपने चार्ट में जो मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो ज़रूर जब यहाँ पे जो है जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप अपने जो है यहाँ पे स्टॉक में जो है कर ले, मतलब अपने चार्ट में जो है वो कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो नहीं देखा, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो वीडियो देख ले, क्योंकि उस पर जो हमने आपको किस तरह से जो है कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से, चाहे आपका ओपिनियन जो है पॉजिटिव है नेगेटिव है, हमें जो है कैंडलस्टिक पैटर्न जो है किस तरह से हमें जो है एक अपना ओपिनियन बनाने में जो हेल्प करेगा उस बारे में हमने बताया शुरू से लेके एंड तक। मतलब यहाँ पे किस तरह से आपको जो सबसे पहले तो कैंडलस्टिक को जो रीड करना है वो हमने सिखाया है, और फिर अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न जो हमें देखने मिलते हैं वो भी हमने अलग अलग जो है अलग अलग पार्ट्स में जो है बनाए हैं। तो एवरीडे हम नए नए पार्ट्स लेकर आते हैं, तो ज़रूर जो है आप यहाँ पे उसको देख लें। बाकी यहाँ पे जो है हमारी क्लोजिंग, मतलब यहाँ पे हमारी मार्किंग जो है वो हो चुकी है। बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, क्लोजिंग 732 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 729.90 का,
डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 739.65 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो बनता है। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको मंडे के दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो आपने अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो यहाँ पे मैंने आई बटन में जो कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग का स्ट्रेटेजी का एक वीडियो जो है बनाया है, जरूर जो उसको देख लें। वहाँ पे हमने कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से आपको स्टॉप लॉस, किस तरह से आपको जो टारगेट डिसाइड करना है और साथ ही साथ चाहे हमारा स्टॉक अपसाइड जाए या फिर डाउनसाइड जाए आप किस तरह से वहाँ पे इंट्राडे में जो है अपना प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी वहाँ पे मैंने बताया है। तो ज़रूर जब उसको पूरा का पूरा जो है देखें। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जोन आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मंडे के लिए क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 723 का, उसके बाद क्या आता है 716.70 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 746.50 का, उसके बाद क्या आता है 755.45 का। ये तो यहाँ पे मैंने दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस जो है मैंने बता दिए हैं, ज़रूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हुए जो आप यहाँ पे अपना मंडे के दिन जो है ट्रेड ले। अब यहाँ पे बात करें मेरे ओपिनियन की फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो मेरा ओपिनियन इस स्टॉक में यहाँ पे मंडे के लिए जो है ज़रूर जो है एक स्लाइड यहाँ पे पॉजिटिव में जाने वाला है। मतलब स्टॉक जो हमें लगता है एक अपसाइड मोमेंट हमें दे सकता है, हाई चांस है कि 739.65 से लेकर 746.50 के बीच में जाए दिन में, लेकिन क्लोजिंग जो हमें नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में ही देखने मिलने वाली, मतलब फ्राइडे की क्लोजिंग से लेकर 739.65 के बीच में जो हमें क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव स्लाइट पॉजिटिव क्लोजिंग जो है हमें देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में यहाँ पे मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।